प्यारे बच्चों, भगवती किसी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएस पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट खत्म कर चुका हूँ। उसके बाद में हमारे पास यूनिट फर्स्ट में दूसरा चैप्टर का होता है, इसमें प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण को कैसे लिया जाएगा, इस चैप्टर में आपको चार टिप की विधि भी है। इसमें आपको क्लोराइड का समीकरण का हल करना पड़ेगा। इसके अलावा और आपको कोई भी समीकरण दी गई है जिसको x और y के लिए, यानी x के साधन समीकरण, y के साधन समीकरण, इसको कैसे हल किया जाएगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इन सब विधि का इसमें प्रयोग किया जाएगा। वैसे प्रथम कोटि के साथ समझना ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ P1, P2, P3, Pn x अथवा y, के हमारे पास कुछ अलग विधियां हैं जिसके द्वारा हम इनको हल करेंगे। पहले विधि पी के साधन समीकरण, तो पी के साधन समीकरण में हम मानेंगे कि समीकरण एक कोण निम्न रूप में व्यक्त हो सके। यानी कि समीकरण एक को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकें। समीकरण एक को निम्न रूप में व्यक्त कर सकें। सबको सी मान लें तो इनके हल में नहीं आएगा।
Each one must provide example plus page number vectors. Example plus page vector. P star plus 2PY vortex plus Y star of 0. This is the direct of equity in the or Y star. इस बार तो स्कोप y प्लस कॉर्टेक्स और y स्क्वायर यहां पे स्मॉल की का मतलब स्मॉल की का मतलब d by 1 x तो लेते हैं सॉल्यूशन p स्क्वायर प्लस 2py कॉर्टेक्स माइनस y स्क्वायर बराबर 0 जो कि इसको पीके अल्टरनेट से तो पीक में अल्टरनेट पीक में अल्टरनेट तो पीक की धार को पीक धार ये क्या है पीक में पीक धार समीकरण है पीक धार समीकरण है और इसके तुलना हम ए बार प्लस बी प्लस से करें ए बराबर ए बी बराबर टू वाई कोर एक्स c बराबर माइनस y स्क्वायर c का मान करते हैं तो b माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस और ac अपॉन 2a सूत्र चल रहा है इसको इसकी तुलना हम इससे और को इससे कर देंगे a b स्क्वायर प्लस b प्लस c का मान ये देखा समझ में आ गया सिर्फ कितना कर दो तो पीस का मान ए ना पीस का मान ए का मान ए का मान ए का क्या ना सी का मान पी है पी का मान क्या है तो वाई को एक्स है सी का मान यहाँ पे मान इसका इस पर आ सकता है इसका इस पर इस मान को बिगा संबंध से जांचा जा सकता है सी बराबर माइनस बी का मान 2y cot x plus minus under root b square सब करेंगे 4y square 4 square x minus 4ac 4 a का मान 8 है c का मान minus y square है बटा 4 into a का मान 8 है p बराबर माइनस 2y cot x प्लस माइनस इसमें से 4 माइनस का माइनस आपको जाएगा अभी 4 y स्क्वायर 4 y स्क्वायर को बाहर लेंगे इसका वर्गमूल डायरेक्ट 2y अंदर को में जाएगा 4 y स्क्वायर को मिल चुके cot
is for x plus 1? 1 plus 4 is for x. Maka 2. I berapa? Yang kedua, pengaruh persen potong ada ya. Minus 2 y over x plus minus y 1 plus 4 is for x, plus x for x, jadi cos x ada ya. उसे y को बदल दें या फिर cos चिन्ह पहले प्लस के मान से गणना करेंगे उसके बाद वो माइनस के मान से गणना करेंगे हम प्लस b से क्लियर कर सकते हैं b बराबर माइनस y cos x प्लस या कर सकते हो y cos x y cos x y कॉमन ले लेंगे sin 4 पर cos 2 sin cos पर cos लेंगे हम p बराबर y कॉमन ले लिया minus cos x बटा sin x plus 1 बटा sin x p बराबर y सब कॉमन ले लिया sin x 8-4 b बराबर y cos का होता है 1 cos का 2 cos का 2 sin x 2 sin x 2 बटा नीचे sin x का 2 sin x 2 cos x by 2 b का मान हम cos by 2 x से b मान का cos x इक्वल cos हो गया y x sin से कट गया sin का मान cos tan x by 2 गया tan x by 2 बताइए चलो कम पकड़ करेंगे सभी चलो कम पकड़ D by x by 2 tan x by 2 dx समाकलन से इंटीग्रल D by x by इंटीग्रल tan x by 2 dx डिवाइड बाय करेंगे लोग e by बराबर tan x by 2 का इंटीग्रल tan x का इंटीग्रल tan x का होता है माइनस 2 cos x log sec x माइनस 2 log माइनस log cos x by 2 लॉक्सी जोड़ देंगे हम लॉक्सी लो ई बाई बराबर ये होता है उसके लिए हम इसमें माइनस इतना ही उसका लो ऑफ स्पार एक्स बाई टू प्लस लॉक्सी लो ई बाई बराबर लो ए माइनस लो ए है लो ए को मैं तो लिखे सो लो सी बटा cos square x by 2 लॉस हो गया y बराबर c sec square x by 2 क्या आएगा y बराबर c sec square x by 2 एक गलती आ चुका इसको ऐसे लिखा y minus c sec square x by 2 बराबर जीरो एक बार सुन लो इस बार हम लोग पी के रूप में सुन रहे जाएंगे पी के लिए ही है ना सोलेबल पर पी का मतलब ये था
यहां पे 2 2 2 आ जाएगा माइनस y cos x प्लस माइनस 12 y वर्ग की cos x हो जाएगा और cos x का cos x का इसका वर्ग इसे y में ले लेंगे हम 4 2 cos x का माइनस cos x का वर्ग वाला माइनस वन माइनस cos x का माइनस हो जाएगा ये और y की वन माइनस cos x का माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos x का cos x का हो जाएगा एक हल हो चुका लेकिन दूसरा मामला पे माइनस की लॉग हो रहा माइनस की से यहां से e बराबर माइनस y cos minus y cos x p बराबर minus y को ले लिया cos y sin x plus 1 upon sin x minus y 1 plus cos x इसका लब्ध ले लिया minus y 1 plus cos x 2 cos square x by 2 sin x 2 sin x by 2 cos x by 2 p का मान p by 2 ये सही है इसके बाद में cos तो गया एक cos x cos कट जाएगा cos का sin जाएगा d by 2 dx minus o x by 2 चलो तो अपन काम करेंगे बाई वाला चलो तो अपन काम करते हैं बाई करने का डी बाई लेकिन बाई माइनस और एक्स बाई टू डीएक्स log
1 x by 2 plus the log c log y log c log log n minus log n log n minus 1 sin 1 x by 2 log log y y plus c plus y cosine स्क्वायर एक्स बाय टू वाई माइनस सी कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू बराबर जीरो। अब एक तो हम लगने क्या क्या वाई माइनस सी सी स्क्वायर एक्स बाय टू बराबर जीरो, दूसरा क्या है वाई माइनस सी सी स्क्वायर एक्स बाय टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू बराबर जीरो। तो जो आपका समीकरण इसका व्यापक हल लिखेंगे हम अवकल समीकरण व्यापक हल अवकल समीकरण का व्यापक हल दोनों हलों को लिखते हैं देखेंगे और गुणा के रूप में लिखेंगे और बराबर तुलना करेंगे। हमारे पास एक हल क्या आ रहा है एक हल क्या आ रहा है दोनों को लिखा जाएगा y माइनस सी सेक स्क्वायर x by 2 y minus c cosec square x by 2 बराबर जीरो। तो ये इसका भी सीधा का फल है समीकरण का। इस प्रकार ये सवाल होगा और इसका व्यापक हल होगा इन दोनों अलग अलग लिखेंगे बराबर जीरो रूप में और गुणा में लिखेंगे। इसके अलावा पहला सवाल आपके सामने आकर होगा दोबारा बताया था मैंने आधा दोबारा बताया था। इसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया p बराबर माइनस वाई को एक्स माइनस को चिन्ह कर देंगे यहाँ पे माइनस वाई को एक्स माइनस को वाई को मिल लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा कोट एक्स को कोट बड़ा साइन प्लस मतलब कौन साइन एक्स का रख मिल गया वन प्लस कोस का साइन एक्स आ जाएगा वन प्लस कोस का साइन टू कोस का एक्स वाई को जाएगा साइन सब टू साइन एक्स वाई टू कोस एक्स वाई को जाएगा तो यहाँ पे कोस को बन जाएगा या कोस को कोस बन जाएगा कोस का साइन कोट एक्स वाई को जाएगा डिवाइड एक्स वाई लेंगे चलो हम कोस कर देंगे हम डिवाइड कोट वाई बराबर माइनस कोट एक्स वाई टू डी एक्स इस बार इसका समाधान करेंगे हम log y बराबर यहाँ पे cos x by 2 का समान होता है log sin x by 2 minus 2 minus कर लेगा और x बटा 2 का x का गुणन के 1 बटा 2 है इसको बाहर देंगे 1 बटा 2 पर चला जाएगा प्लस log c log y बराबर minus log sin x by 2 तो कुछ लेते हैं प्लस log c यहाँ पे log a minus log a है log a बटा n है इसको और log y बराबर 2 sin x by 2 है क्योंकि sin cos a बटा है और यहाँ पे इस प्रकार के सवाल होगा। इसके बाद में आपको एक और एग्जाम्पल बताया था सेकंड देख लो उसके बाद फिर चौथा के बताऊंगा मैं x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2p x y प्लस 2p y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 0 एग्जांपल सेकंड में एक और मैं बताता हूं आपको उसके बाद फिर चौथा बताऊंगा x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2p x y प्लस 2 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 यहां पे फिर क्या हो या फिर क्या देंगे क्या जब पता है के लिए हल करने पर x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2px y प्लस 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 ये भी दिया सो करने सी पी में दिया गया है
पर b बराबर माइनस टू एक्स वाई c बराबर टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स पर इसकी तुलना a b स्क्वायर प्लस b t प्लस c से करेंगे तो एक्स पर केस पर मान एक्स स्क्वायर है ये आ जाएगा अभी का मान टू पी है तो एक्स वाई है बीटा आ जाएगा मान लिए सी हो जाएगा b बराबर माइनस बी प्लस माइनस टू बी स्क्वायर और ऐसे वन से टी बराबर माइनस टी का मान टू एक्स वाई रहेगा और इसको बनाइए एक एक्स वाई प्लस माइनस आई टू टी स्क्वायर बराबर करिए चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस चार ए का मान स्क्वायर रहेगा सी का मान टू वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रहेगा बटा और टू ए का मान स्क्वायर रहेगा टी बराबर 2x y plus minus यहाँ पे 4x square y square यहाँ पे 4x square square से बना देंगे हम 4x square y square minus 8x square y square minus 3x plus 4x square 4 बटा 2x square p बराबर 2x y plus minus यहाँ पे इसमें से बता देंगे minus का जाएगा 4x square square 2x square चार स्क्वायर चार माइनस चार स्क्वायर बाईस स्क्वायर बटा टू एक्स स्क्वायर ऊपर से फॉर्मूला ले लेंगे इसका फॉर्मूला ले लेंगे टू एक्स वाई प्लस माइनस यहाँ पे चार स्क्वायर को मान लिया चार स्क्वायर का फॉर्मूला है टू एक्स अंडर रूट चार स्क्वायर को लिया एक्स स्क्वायर माइनस यह 22 का बन जाएगा बटा x बार यह जाएगा x यहां पे x यहां पे x यहां पे x दो दो हट गया y प्लस माइनस अंडर रूट x बार माइनस y बार बटा x dy अपॉन dx बराबर आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x सूत्र में आ रहा है ये अब ये समीकरण जो हमारे पास संभव समीकरण है y बटा x यहाँ पे सब कर लेंगे इससे कर जाएगा प्लस माइनस अंदर दो वन माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर सूत्र में है ये जो कि समभाग समीकरण है तो उसने समभाग समीकरण में y बटा x बराबर b मान लिया था y बराबर b x जाएगा dy अपॉन dx d प्लस x dy dx हो जाएगा ये मान सब करेंगे तो आप लिख सकते हो d प्लस x dy dx b plus minus 1 minus b square under root b से दिया गया है x d by dx plus minus 1 minus b square चलो अब अपन करेंगे हम इस पर बराबर फॉर्मूला इसको यहाँ पे के लिए करेंगे हम तो इसमें तुलना की में निकाल सकते हैं क्योंकि p की हाफ दो की का ले तो वहां से कम आगे का दे सकता है तो इसकी तुलना a p इस बार प्लस b p प्लस से करेंगे a का मान इसका हो जाएगा b इसका हो जाएगा b का मान का गुणा कर जाएगा c का मान का गुणा कर जाएगा तो इसकी गजर से कर देंगे हम इसमें b का मान ये रहा 2x y - 1x + हो जाएगा प्लस माइनस 2 इस पर का मान 4x + y इस पर का मान एक का मान एक्स पर जाएगा सी का मान दो का एक्स पर एक्स पर जाएगा इसे पूरी पे का मान एक्स पर जाएगा एक्स पर करेंगे इस पर सुमा कर लेंगे इसमें से इसको हटा देंगे तो चार एक्स पर चार मिले चार एक्स पर एक्स पर जाएगा एक एक्स पर जाएगा यहाँ पे चार एक्स पर बन लेंगे तो एक्स पर प्लस माइनस चार एक्स पर बन लिया तो उसका बन तक कैसा जाएगा तो फिर अब यहाँ पे एक्स पर हो जाएगा माइनस का एक्स पर हो जाएगा तो फिर एक्स पर रहिए यहाँ पे थोड़े से ऊपर से डाला नीचे से डाला जाएगा y प्लस माइनस
चलो एक्स धन्यवाद।